भारतीय संस्कृति में प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति दायित्व निर्वहन एवं परंपरा है। ऐसी ही एक परंपरा है कि लक्ष्मी नारायण वृक्ष स्थानीय बोली के अनुसार छोकरा एवं पीपल यदि एक दूसरे में समाये हुए हों तो उनको लक्ष्मी नारायण का प्रतीक मानकर पूजन किया जाता है। बयाना कस्बे के पास के गांव दमदमा रोड पर ऐसे ही एक लक्ष्मी नारायण विराजमान है, जहां लक्ष्मी नारायण वृक्ष से एक पंचमुखी नाग जैसी आकृति प्रकट हुई है। सूचना पर हम पहुंचे और मामले की पड़ताल की। हमको जो मिला वो हम आपको दिखा रहे हैं। चलो, आप देख रहे हैं ये गांव दमदमा। दमदमा में ये लक्ष्मी नारायण का वृक्ष, लक्ष्मी नारायण यानी पीपल और छोकरा। पीपल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और इसी छोकरा को माता लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। हमारी पुरातन सभ्यता से इन भगवान विष्णु का प्रतीक मानते हुए इसकी पूजा भी की जाती है। जहाँ भी ये होते हैं, ये गांव दमदमा है, यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ विराजमान हैं। यहाँ लोग पूजा करने आते थे, परंतु अचानक दीपावली के बाद में दोनों के संगम से बीच में होते हुए एक 5 फन का नाग, यानी लकड़ी का ही है, पेड़ में से उत्पन्न हुआ है और 5 फन है उसके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं भगवान सर्प देवता को। आप देख पा रहे हैं, ये है नाग देवता जो दोनों के बीच से निकला हुआ है और इसी को देख करके यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। इसकी परिक्रमा लग रही हैं, पूजा हो रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लक्ष्मी नारायण भगवान का वृक्ष है और लक्ष्मी नारायण के बीच में दोनों के संगम से 5 फन का एक सर्प निकल के आया है और उस सर्प को देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। बहुतों ने कवरेज भी की है। आज हम भी आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस लक्ष्मी नारायण के वृक्ष के पास जो 5 फन वाले सर्प निकले हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, भक्त पूजा कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से कि इनको कब पता लगा इस चीज़ का। हाँ भाई साहब, अच्छा आपको कैसे पता पड़ा इसका? ये अभी दीपावली बाद पता पड़ा इसका। कैसे? अब लोग बाबा आ रहे हैं जा रहे हैं तो ऐसे ही मालूम पड़ गई कि ऐसे ऐसे लक्ष्मी नारायण पर विष्णु भगवान के 5 फन वाला सर पाया है। हाँ। वो दिख रहा है खुले में। अच्छा, तो लोग वहाँ पूजा करने और भी आ रहे हैं? पूजा करने साहब दूर दूर से आ रहे हैं, भीड़ लग रही है किसी किसी दिन तो। अच्छा, अब भाई साहब जी इनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल सिंह है, मैं ग्राम दमदमा का निवासी हूँ। और आप क्या पूछ रहे हैं? ये जो आप 5 फन वाला इसमें निकला है सर्प, ये कब निकला था? ये दीपावली की दिवस के बारे में बता रहे हैं, दीपावली की दिवस पे निकला है। अच्छा, तो यहाँ ये वृक्ष कितना पुराना है वैसे? ये तो बहुत पुराना है, इसका तो हमें भी याद नहीं है कब का है, ये बहुत पहला है। तो इसके निकलने के बाद में गांव में कुछ प्रगति का वो लगा है क्या? लोगों को जैसे जैसे पता लग रहा है वैसे वैसे आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी के साथ कैमरामैन अमन झालानी के साथ मैं देव सिंह प्रजापत, बयाना।